लोगन पॉल ने कॉल आउट किया है करंट चैंपियन को, तो कौन है वो चैंपियन जिसको कॉल आउट किया है जानेंगे इस वीडियो में। प्लस में रिया रिपली वर्सेस जेड कारगिल का मैच और कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, रूमर्स, रेसलिंग शो रिव्यूज देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रिया रिपली और जेड कारगिल के बारे में। तो रिसेंटली रिया रिपली से पूछा जाता है इंटरव्यू में जेड कारगिल के बारे में, तो रिया रिपली ने जेड कारगिल को प्रेज करते हुए कहा कि शी हैड ए लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई सॉ हर इन द अदर ब्रांड, शी इज़ ए स्टार, शी इज़ फैंटास्टिक। लेकिन उन्होंने कहा कि WWE Raw इज़ माई ब्रांड और जेड कारगिल मंडे नाइट रॉ पे आती है, तो आई वुड लव टू स्टेप इन द रिंग एंड शो हर एग्जैक्टली वाई आई एम ऑलवेज ऑन द टॉप। और फ्यूचर में हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है जेड कारगिल वर्सेस रिया रिपली का मैच। अब हम बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो WWE ने कल वाले शो के लिए कुछ चीज़ें एडवर्टाइज़ की हैं। तो पहली चीज़ जो उन्होंने एडवर्टाइज़ की है वो है एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए मैच, जो कि होगा द बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस द रिंग जनरल गुंथर के बीच। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा रिया रिपली वर्सेस शेना बेजलर के बीच एक नॉन टाइटल मैच। और नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलेगी रिकोशे वर्सेस शिंसके नाकामुरा के बीच एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच। तो कल वाली रो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि चार बिग मैचेस उसमें पहले से ही अनाउंस हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि है द सोशल मीडिया सुपरस्टार लोगन पॉल से रिलेटेड। तो लोगन पॉल का भी एक रिसेंटली बॉक्सिंग मैच हुआ था जिसमें वो विनर रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि देयर आर सम चैम्पियनशिप्स दैट आई वॉन्ट टू गेट, आई हैव गोट माई आई ऑन समथिंग, I have got my eye on someone. I am an American boy and I want that US title. और उन्होंने Rey Mysterio से कहा कि I already beat you once and I am coming for that US championship. तो इससे Logan Paul ने publicly call out किया Rey Mysterio को for the United States Championship. और इसके बाद Rey Mysterio ने respond करते हुए tweet किया कि did Paul just call me out? I am not hard to find homie. Every Friday night on SmackDown. जिसको कोट करते हुए लोगन पॉल ने रिप्लाई किया See you soon. और अब काफ़ी हाई चांसेस हैं कि हमें लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो देखने को मिल सकता है WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू यानी क्राउन जोल में, और वो भी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप। और काफ़ी चांसेस हैं कि लोगन पॉल जीत भी जाएं यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप को। बाय द वे, क्या आप देखना चाहोगे लोगन पॉल को एज यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन? हमें कमेंट्स में बताएं। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, रूमर्स, रेसलिंग शो रिव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।